द्रौपदी मुर्मू। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगी। तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी। और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ ली। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह संसद के केंद्रीय कक्ष में हुआ, जहां CJI NV रमन ने उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी, साथ ही वे देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। इससे पहले वो राष्ट्रपति भवन पहुंची, यहां उन्होंने रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन के लिए निकलने से पहले उन्होंने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी थी। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को बड़े अंतर से हराया था। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।